फ्रेंड्स, हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जिनके उपयोग से हम अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं और उसमें ढेरों फल फूल सब्जी पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में घर में ही मौजूद दो ऐसी चीज़ों से मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो बिल्कुल फ्री की हैं, उनको हम यूं ही फेंक देते हैं लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण प्लांट की कई समस्याओं को ख़त्म करती हैं। तो यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा कलियां तो बनाता है लेकिन फूल बनने से पहले ये कलियां गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होंगी क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व मौजूद हैं जो कि पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि बदलते मौसम में पौधा सबसे ज़्यादा बीमारियों की चपेट में आता है, तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही पौधे की नई ग्रोथ शुरू होती है और पौधा ढेरों कलियाँ बनाने लगता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको एक से दो काम अपने प्लांट पर ज़रूर करने चाहिए, तभी आपको अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र का ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा क्योंकि फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ पौधे की उचित देखभाल भी ज़रूरी होती है। यदि देखभाल में कमी होती है तो फर्टिलाइज़र सही तरह से पौधे पर काम नहीं कर पाता है और पौधे में कोई ग्रोथ नहीं होती है या उसमें फ्लॉरिंग नहीं होती है। तो सबसे पहला काम, पौधे में यदि फ्लॉरिंग हो रही है और फूल सूख जाते हैं तो आपको सूखे हुए फूलों को समय समय पर हटाना होगा। यदि आप ये सूखे फूल नहीं हटाते हैं या सूखी टहनियाँ नहीं हटाते हैं तो प्लांट इनको सुखाकर गिराने में अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देता है और उसमें नए फूल नहीं आ पाते हैं। दूसरी बात, जो भी प्लांट सीड्स दे रहे हैं इस समय उनमें फ्लॉरिंग पूरी हो चुकी है। ये देखिए, ये बालसम का प्लांट है, इसमें सीड्स बनना शुरू हो गए हैं। तो यदि आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इन सीड्स को हटा दें क्योंकि यदि आप सीड्स नहीं हटाते हैं तो इन सीड्स को बनाने में ही प्लांट की सारी एनर्जी खर्च हो जाती है और पौधा ग्रोथ रोक देता है या उसमें फूल नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये काम आपको सभी प्लांट्स पे करना है। इसी तरह से अपराजिता प्लांट में भी फ्लावरिंग के बाद बहुत जल्दी सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपको यदि सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इनको हटाते रहें। दूसरा ज़रूरी काम, मिट्टी की आपको समय समय पर गुड़ाई करते रहना है। मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी और जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करेंगी। इसके साथ ही जब भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो एक दिन पहले अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें जिससे जो फर्टिलाइज़र हम प्लांट पर यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा पौधे पर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। मिट्टी में किसी तरह के वीड्स, खरपतवार हैं तो उनको भी आप समय समय पर हटाते रहें। इसके साथ ही जो भी फूलों वाले पौधे हैं जो कि सनलविंग है तो उनको आप पर्याप्त मात्रा में धूप दें जिससे कि पौधा अच्छे फ्लावर्स दे सके। कभी कभी धूप की कमी से भी पौधे में फूल नहीं आते हैं। पौधा ग्रोथ तो करता रहता है, उसकी पत्तियों का रंग भी हरा रहता है लेकिन पौधे में कलियाँ नहीं बन पाती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए मैं बताती हूँ दो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें हमारे प्लांट पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती, अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई होनी चाहिए। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, इससे प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। इसके साथ ही पौधे को नाइट्रोजन देती है जिससे कि पौधे की नई ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो आप जिस भी प्लांट में यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा सा आप स्टेम से दूर हटा लें, उसमें जगह बना लें। मैं अपने इस गुड़हल प्लांट में आज इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी इस तरह से, और इसके बाद आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से चाय पत्ती का यूज़ करना है। एक बड़ा चम्मच चाय पत्ती मैंने इस पॉट में डाल दी है। यदि आपके प्लांट का पॉट छोटा है तो आप आधा चम्मच, और इससे भी बड़ा है तो आप एक मुट्ठी यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल सकते हैं। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ करें लेकिन उसकी कम मात्रा यूज़ करनी है। जितनी मात्रा आप यूज़ की हुई चाय पत्ती की ले रहे हैं उससे आधी आपको फ्रेश टी लीफ की लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये चावल का पानी। जब हम चावल बनाते हैं तो उसको धोने के बाद जो पानी निकलता है उस पानी का हमें प्लांट के लिए यूज़ करना है। ये एक बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र के रूप में काम में आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को और उसमें फल फूल लाने में मदद करते हैं। तो महीने में एक बार आप इस चावल के पानी का यूज़ अपने प्लांट के लिए ज़रूर करें। तो जितना चावल का पानी है उसका दो भाग इसमें सादा पानी मिला लें और इसके बाद अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। ये दोनों ही चीज़ें हमारे घर में बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, तो इनका यूज़ आप अपने प्लांट के लिए महीने में एक बार ज़रूर करें। थैंक यू।